देश में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के कितने मामले सामने आए हैं? WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर क्यों आगाह किया और कहां एक स्कूल के 18 बच्चे हुए कोरोना से संक्रमित? कोरोना महामारी से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 ओमिक्रॉन अलर्ट। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में इसके करीब 30 नए मामले सामने आए। इसके बाद देश में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 140 के पार पहुंच गया। तेलंगाना में 12, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 6 और केरल में 4 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड वाले इलाकों में 1.5 से 3 दिनों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या दोगुनी हो रही है, जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ओमिक्रॉन तेजी से बढ़कर अब तक करीब 90 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। देश के दक्षिणी राज्य कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तेलंगाना में एक दिन में ओमिक्रॉन के 12 नए केस सामने आए। ये सभी लोग विदेशों से यात्रा करके हैदराबाद पहुंचे थे। नए मामले आने से तेलंगाना में ओमिक्रॉन के केस दोगुनों से भी बढ़कर 20 हो गए हैं। महाराष्ट्र में देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र से ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए, जिसमें से 4 केस मुंबई से सामने आए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक कुल 48 केस मिल चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने 4 बड़े प्राइवेट अस्पतालों को ओमिक्रॉन का डेडिकेटेड सेंटर बना दिया। गंगाराम अस्पताल, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज और तुगलकाबाद के बत्रा अस्पताल में अब ओमिक्रॉन संक्रमितों का इलाज हो सकेगा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 86 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 14,42,090 हो गई है। शनिवार को कुल 66 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। हालांकि पिछले 10 दिन में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई। मुंबई में घनसोली इलाके में शनिवार को एक स्कूल के 18 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद स्कूल को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। महानगर पालिका स्कूल के सभी बच्चों के घर जाकर उनका RT-PCR टेस्ट करेगी। इसके बाद ही स्कूल खोलने को लेकर फैसला किया जाएगा। भारत में महामारी की तीसरी लहर को लेकर चौंकाने वाला दावा सामने आया है। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल पैनल के मुताबिक ओमिक्रॉन से देश में फरवरी तक कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। पैनल के हेड और IIT हैदराबाद के प्रोफेसर M. विद्यासागर के मुताबिक तीसरी लहर फरवरी में अपने पीक पर होगी। देश में कोविड-19 की वैक्सीन की डोज 137 करोड़ को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार शाम 7 बजे तक 69 लाख से ज्यादा डोज दिए गए। देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी और पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।